हेलो दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हम अपने लिए कोई नया फ़ोन लेते हैं या फिर हमारे पास कोई पुराना फ़ोन है और उससे अपने WhatsApp को जो है नए फ़ोन में हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिसमें आपका जो है टेक्स्ट हो गया, एनिमेशन हो गया, वीडियोस हो गया, सारा कुछ जो है ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन यह बहुत ही सरदर्दी वाला काम होता है, बहुत ही मुश्किल से ट्रांसफ़र हो पाता है। और अगर ट्रांसफ़र होता भी है तो बहुत सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाता है, बहुत सारा डेटा हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, या फिर आपके पास आईफोन है, अगर आप जो है एंड्रॉयड टू आईफोन या फिर एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड या फिर आईफोन टू एंड्रॉयड या फिर आईफोन टू आईफोन भी अपने व्हाट्सएप के डेटा को पूरा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 100% आप ट्रांसफर आप इजीली आप कर पाएंगे। मैं आपको जो है सारा प्रोसेस मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो का एंड तक देखना, जिससे कि आप जो है किसी भी फोन से किसी और फोन में आप जो है सारा व्हाट्सएप का डेटा आप जो है चुटकियों में आप ट्रांसफर कर पाएंगे बिना किसी मेहनत से, वो भी बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले जब भी आप जो है डॉक्टर फोन सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करोगे तो आपके पास जो है एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पे आपको जो है नीचे में आप देखोगे व्हाट्सएप ट्रांसफ़र, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है व्हाट्सएप ट्रांसफ़र कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। तो नीचे में जो व्हाट्सएप ट्रांसफ़र वाला जो आइकन है इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ऐसे दो फोन का जो है आइकन आपके पास आ जाएगा, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स में आपको जो पुराना वाला मोबाइल फ़ोन है उसमें आपको जो है USB जो है डेटा केबल वो आपको लगाना है, और जो नया वाला है उसमें भी जो है USB डेटा केबल से दोनों से कनेक्ट करना है। वायरलेस भी कर सकते हो, लेकिन अगर जो है USB डेटा केबल से करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगा। ठीक है, तो देख रहे पा रहे हो पुराने फ़ोन को और नए फ़ोन को, दोनों ही फ़ोन को मैंने USB से मैंने कनेक्ट कर दिया है। सोर्स में आपका पुराना फ़ोन रहेगा जो कि लेफ्ट साइड में है, और राइट हैंड साइड में जो डेस्टिनेशन है उसमें आपका नया फ़ोन आपका कनेक्ट होगा। जैसे ही आप जो है दोनों को USB से कनेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक आपका जो है कनेक्ट आपका हो जाएगा, आपके स्क्रीन में कनेक्टेड आपको दिखा देगा। और कनेक्टेड दिखाने के बाद आपको जो है दोनों ही फ़ोन में आपको जो है USB डिबगिंग को जो है ऑन करना पड़ेगा। आपने जो भी फ़ोन नया वाला कनेक्ट किया रहेगा उसमें कैसे कैसे सेटिंग्स रहेगा यहाँ पे आपको दिखा देगा। या तो आप जो है ऑनलाइन गूगल में भी या फिर यूट्यूब में भी सर्च करोगे कि आपका जो भी मॉडल नंबर है मोबाइल फ़ोन का उसमें USB डिबगिंग कैसे ऑन किया जाता है, और वहाँ से आप कर सकते हो। एक बार आपका जो है दोनों ही फ़ोन में आपको जो है USB डिबगिंग आपको जो है ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है डेवलपर मोड को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद आप इजीली आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो देखो आप दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपका जो है USB डिबगिंग को ऑन करना पड़ेगा, जिससे क्या रहेगा आपको दोनों फ़ोन जो है एक दूसरे से अच्छी तरह से आपका जो कनेक्ट आपका हो जाएगा। सारा कुछ होने के बाद जब आप नीचे ट्रांसफ़र में क्लिक करोगे तो ट्रांसफ़र में क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ सेकंड तक ये वेरीफाई होगा, और उसके बाद आपको जो है कंटिन्यू में आपको जो है क्लिक करना है, आपका जो है सब डेटा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो है नेक्स्ट आएगा, सिम नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। अब आपके पास ये वाला स्क्रीन आएगा, इसमें लिखा गया है कि आपको जो है पुराने जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर चैट में जाना है, फिर चैट बैकअप में जाना है, ये आपका पुराने मोबाइल फ़ोन में करना है। तो चलो मैं अपने जो है पुराने मोबाइल फ़ोन में जाता हूँ। जो भी आपका व्हाट्सअप रहेगा ऊपर में देखो 3 डॉट रहेगा, उसमें क्लिक करने के बाद नीचे में सेटिंग्स में क्लिक करोगे, फिर चैट में क्लिक करोगे, फिर नीचे में देखोगे चैट बैकअप, ये देखो जैसे चैट बैकअप में क्लिक करोगे ऊपर में आपको बैकअप ऑप्शन आएगा, बैकअप में आपको क्लिक कर देना है, बस हो गया आपका ये वाला काम हो गया। उसके बाद आपको जो है वापस आपको जो है कंप्यूटर में आना है, और वहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसको आपको क्लिक करना है। अब देखो अब आपके पास यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको जो है अपने नए वाले मोबाइल फ़ोन में आपको जो है व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है। तो आपको जो है अब आपको जो है अपने नए वाले मोबाइल फ़ोन में जाना है, दोनों फ़ोन आपका जो है अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट रहेगा USB से, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए दिखाएगा। लेकिन आपको अपने नए मोबाइल फ़ोन में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, तो यहाँ से हम जो है व्हाट्सएप हम इंस्टॉल अप कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है व्हाट्सएप जो है पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है, वापस आपको अपने जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पे आना है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ध्यान से देखो। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो है इंस्टॉल में क्लिक करना है, यानी कि आपका जो इंस्टॉल अपने कर चुका है। उसके बाद आपको इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद आपका ये प्रोसेसिंग और थोड़ा आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो भी गूगल ड्राइव में अगर ये कनेक्ट है तो इसको आपको जो है डिसकनेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो जिस नए ईमेल आईडी से अपने नए मोबाइल फ़ोन में आपने लॉगिन किया है उस ईमेल आईडी से अपने कंप्यूटर में आपको जो है लॉगिन करना है, और आपको जो है गूगल ड्राइव में जाना है और सेटिंग्स में जाना है, और वहाँ पे जाकर जो मैनेज ऐप में जाओगे जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, और जितने भी रहेंगे यहाँ पे चेक बॉक्स रहेगा सबको आपको अनचेक कर देना है, और उसमें आई हैव डिसकनेक्टेड में आपको क्लिक आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको जो है चैट को रिस्टोर करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो वापस आपको जो है अपने नए मोबाइल फ़ोन में जाना पड़ेगा, और उसके बाद से फिर आगे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने छोड़ दिया था लॉगिन करके, अब वापस हमको जो है आगे जो है नेक्स्ट के लिए हमको क्लिक करना पड़ेगा। हमने इंग्लिश लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हमको जो है फिर आगे बढ़ना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है, आपको जो भी आपको आते जाएगा आपको यस करते जाना है। अब यहाँ पे आपको जो है अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर हाइड कर दिया है, और उसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर जैसे ही आप दोगे तो वैसे ही आपको पुराने वाले मोबाइल फ़ोन में इसका जो है
आपको एक कोड जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पुराने वाले मैं मोबाइल फोन में कोड गया, वहाँ से जो कोड आएगा वो देख के आप डाल देना, डाल के आप कंटिन्यू क्लिक करना, फिर अलाउ क्लिक करना, फिर आपके पास जो जो परमिशन मांगेगा सब आपको जो है अलाउ ऑल आपको करना है। और उसके बाद जो है आपका जो है चैट जो है वो आपका जो है रिस्टोर होना आपका शुरू हो जाएगा। फिर नीचे में देखोगे आपको जो रिस्टोर में आपको क्लिक करना है, और आपको जो यहाँ पे देख पा रहे हो रिस्टोर या चैट आपको लिखा रहा है, ये आपका सारा चैट आपका रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो आपका जो भी आपका जो आपने DP लगाया रहेगा जो भी लिखा रहेगा सब आ जाएगा, ठीक है। आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। अब देखो यहाँ पे आपका जो है, अब यहाँ पे जो अगर आप डेली बैकअप रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो या नहीं भी रख सकते हो या आपके ऊपर में। तो मैंने यहाँ पे डेली जो है बैकअप मैंने कर दिया, और यहाँ पे फिर आपको जो है कंटिन्यू में क्लिक करना है। आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे उसके बाद डन आपको कर देना है। उसके बाद आपका जितना भी चैट है जो भी पुराने मोबाइल फ़ोन में था सब का सब सारा का सारा वैसा आ गया है, A to Z हर चीज़ आपके जो है नए वाले मोबाइल फ़ोन में सारा का सारा ये ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपका रिस्टोर आपका कंप्लीटेड हो चुका है। अगर आप भी जो है वनडे से डॉक्टर फोन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं और व्हाट्सएप को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आप जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ आप कर सकते हो।